Hello students, welcome to this video of Standard 2 Maths. Today we are going to see the exercise of Chapter 2 Counting in Groups. Here we will see two digit numbers. But before doing exercise, let's see some important points. Points are given here. Students, आप लोगों ने इस चैप्टर का टेक्स्ट बुक का एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लिया होगा, समझ भी लिया होगा. तो एक्सरसाइज करने से पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट का रिवीजन करेंगे. देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या कहा है, नंबर फ्रॉम 1 to 9 आर वन डिजिट नंबर्स, नंबर्स फ्रॉम 10 to 99 आर टू डिजिट नंबर्स. चलो मैं दिखाता हूं. देखो, ये है पूरा 1 to 100 नंबर का चार्ट. भाई जब काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3 ऐसे. तो ये सब नंबर्स जो हैं उसे नेचुरल नंबर भी कहते हैं, बराबर. जब हम स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो सिर्फ नंबर में वन डिजिट यानी कि एक ही फिगर होता है. पर जैसे ही 9 से आगे चलते हैं तो 10, 1, 0, 10 हम बोलते हैं ना, 9, 1, 0, 10. सो 1 and 0. इसके बाद 1, 1, 11, 1, 2, 12, 1, 3, 13 ऐसे करके आगे बढ़ते हैं. 99 तक जाएंगे तो 2 नंबर्स ही आते रहेंगे. फिर जैसे ही 99 से आगे बढ़ेंगे तो 3 नंबर आ जाएगा, 1, 0, 0, बराबर. तो चलिए, ऐसे ये हैं सिंगल नंबर और 10 से 99 तक डबल नंबर, और उसके बाद 3 नंबर्स आएंगे, 3 डिजिट्स आएगी. पॉइंट 2, इट सेज दैट ऑल नंबर्स कैन बी रिटन इन वर्ड्स. भाई वर्ड्स तो लिख ही सकते हैं वर्ड्स में, क्योंकि हर एक नंबर का नाम होता है और नाम को लिखना तो पड़ेगा. अगर ये 1 है तो ONE लिख सकते हैं, 9 है तो NINE लिख सकते हैं, ये रहा 10, TEN 10, ये रहा 99, NINETY, NINE 99, ऐसे कोई भी नंबर को वर्ड्स में लिख ही सकते हैं. ओके, पॉइंट 3, एक्सपांडेड फॉर्म टेल्स अस हाउ मेनी टेंस एंड वंस आर देयर इन नंबर. भाई एक्सपांडेड फॉर्म क्या होता है दिखाता हूं मैं. देखो, यहां पर मैंने 1 से 9 तक के नंबर्स लिखे हैं, सिंगल डिजिट ही है, सब में एक ही डिजिट है. ये सारी डिजिट पहले स्थान पर मीन्स फर्स्ट पोजीशन पर ही है, इसको हम बोलते हैं वंस. कौन सी प्लेस बोलते हैं, वंस, ONES, वंस प्लेस. इन लोगों की प्लेस वंस है. पर जैसे ही हम यहां पर लिखेंगे, जैसे ये रहा, देखो नीचे लिखेंगे 10, और 10 के बाद जैसे ही यहां आगे लिखेंगे 1, 1, 11, तो भाई 1, 1, 11 में ये जो राइट साइड वाला 1 है ना, उसकी प्लेस है 1s, और ये जो लेफ्ट वाला 1 है उसकी प्लेस है 10. क्या बोलेंगे, 10, क्योंकि ये 10 के बाद 1 आया है ना, 10 के बाद एक और 1 जुड़ गया यानी 11 हुआ है. तो फर्स्ट लेफ्ट वाला 10 और राइट वाला 1s है. ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, 12, 13, 14, ये सब में ये 10 plus 2, 10 plus 3, 10 plus 4 ऐसे नंबर्स हैं, बराबर. तो ये सारे नंबर्स 10 की प्लेस हैं और राइट साइड के जो है वो वंस की प्लेस है. अगर इसी को ब्रेक आउट करेंगे तो एक्सपांडेड फॉर्म हमें मिलेगा. चलिए, ऐसे करके जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर तो क्या आ जाएगा, 1, 9, 19, 2, 0, 20. फिर आगे जाएंगे तो 21, 22, 23, बराबर 24. अब ये 24 को ही हम ब्रेक करेंगे. देखो, 24 में ये जो राइट साइड की लाइन है वो
वंश की प्लेस है ओ लिखा मैंने, ये टेंस की लाइन है टी लिखा। तो चलो इसको ब्रेकअप कैसे करेंगे, ऐसे देखो मैं अलग से फिर से लिखता हूं, 24 इज इक्वल टू, ये 2 10 की लाइन में है ना, तो 20 बराबर, और ये 4 वंश की लाइन में है तो ये रहा 4, 24 ऐसे हुआ 20 प्लस 4। भाई 20 ये तो हो गया, पर इसके पास ये 10 की लाइन में है तो कितने 10 है उसके पास, भाई उसके पास 2 10 है बराबर, 1 10 अनदर 10, ये 2 10 हो गया तो 20 हुआ बराबर, तो 2 10s 4 1s ऐसे हम कहेंगे, देखो 2 10s 4 1s बराबर। ऐसे ही ये जो भी कोई भी नंबर होगा तो नंबर में जो भी डिजिट होगी उसकी वैल्यू वो नंबर कौन सी प्लेस पर है उस पर डिपेंड करेगा। चलो मैं आपको ये नंबर एबेकस पर दिखाता हूं, तो चलिए अब ये है एबेकस, एक भी नंबर नहीं है। देखो जैसे ही हम लाएंगे तो ये रहा 1, ये कौन सी प्लेस है, वंश की प्लेस है, वंश की प्लेस पर ये 1 आया, फिर ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये देखो 2 3 4 5 6 7 8 9, भाई 9 हो गया वंश की प्लेस पर। ये तो बीड, ये ऐसे बीड्स को अगर लाना है तो जैसे हमने ले लिया, पर जैसे ये तो 10 10 बीड्स एक ही लाइन में आ गए, पर अगर हमें लिखना होगा तो ये 10 को ऐसे नहीं लिख पाएंगे, 10 को लिखने के लिए हमें ये इसको यहां से निकाल देना पड़ेगा, और 10 के लिए हमें लाना पड़ेगा ये सेकंड लाइन में एक नंबर बराबर, और यहां से सारे नंबर को निकाल देना पड़ेगा। अब ये कितना हुआ 10, देखो ये है 10 की प्लेस, ये राइट साइड की 1 की प्लेस, ये 10 की प्लेस, 10 की प्लेस पर 1 नंबर है, 1 बीड है, इसका मतलब 1 टाइम 10 है। चलो अब आगे 11, तो ये देखो 1 1 11, फिर हम बोल रहे हैं 1 2 12, ये रहा, फिर 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, ऐसे यहां पर ये तो 1 ही रहेगा, 1 6 16, 1 7 17 18 19 20, 19 तक जाएंगे, भाई 19 तक गए जाएंगे तो ये रहा देखो 19 हो गया, 1 9 19। जैसे ही 21 आगे बढ़ेंगे तो यहां पर 20 ऐसे नहीं लिख सकते, इसको वापस डाल देना पड़ेगा, यहां पर दूसरा ले आना पड़ेगा, देखो ये हो गया 20 और यहां कुछ भी नहीं चाहिए, 2 0 20, देखो हो गया ना 2 0 20। अब 21 आगे बढ़ेंगे तो ये रहा 21, ये रहा 22 23 24, जो नंबर मैंने लिख के सिखाया वही अब एबेकस पर आ गया, 2 4 24 बराबर। 2 4 24 को अगर ब्रेकअप करेंगे तो ये कितने 10 है इसमें, 2 10 4 1s 2 10 4 1s, तो ऐसे प्लेस वैल्यू मालूम की जा सकती है। ठीक है, एबेकस पर भी आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, आगे चलते हैं। चलो ये 5 नंबर, अरेंजिंग नंबर्स, A-R-A-N-G-I-N-G, अरेंजिंग नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट, SMALLEST, स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट इज कॉल्ड असेंडिंग। भाई छोटे से बड़े नंबर तक अरेंज करेंगे, सबसे फर्स्ट स्मॉल और सबसे लास्ट में बिगेस्ट, तो इसको बोलेंगे असेंडिंग, ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर। अरेंजिंग नंबर्स फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर बराबर, असेंडिंग डिसेंडिंग ये हम सीख चुके हैं। देखो मैं अब यहां पर कुछ दिखाता हूं आपको, ये देखो ये मैंने कुछ डॉट्स किए हैं,
बराबर 1 2 3 4 5। भाई अगर इसको असेंडिंग अरेंज करना है, असेंडिंग, तो सबसे पहले कौन आएगा? ये स्मॉलेस्ट वन, और लास्ट में आएगा बिगेस्ट वन। देखो मैंने ये बना के रखा है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, तो देखो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट क्या कैसे हुआ, ये रहा बराबर, एरो ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसको बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलेंगे? असेंडिंग ऑर्डर, हुआ ना। चलो अगर उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे बड़ा, फिर आएगा छोटा छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा। एरो नीचे की ओर जाएगा, डिसेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर कहेंगे। ये रहा डिसेंडिंग ऑर्डर, बराबर। ऐसा ही आप, ये मैंने बॉल्स बना के किया, आप नंबर्स पर भी ऐसा कर सकते हो। देखो अगर हमारे पास 9 2 5 1 एंड 7 इतने नंबर्स है, बराबर, अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो क्या करेंगे? 1 2 5 7 9, 1 सबसे छोटा है वो पहले आ गया, 9 बिगेस्ट है लास्ट में गया। डिसेंडिंग में करना है तो देखो ऐसे 9 सबसे पहले, 1 सबसे लास्ट में। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, 6 नंबर, सिंबल्स यूज फॉर ग्रेटर देन इज दिस राइट साइड एरो, स्मॉलर देन लेफ्ट साइड एरो, एंड इक्वल टू इज ये डबल लाइन, बराबर। ये सिंबल भी आप लोग पिछले साल भी सीख चुके हैं, समझाता हूं मैं। चलो अगर आपके पास 2 नंबर्स हैं, जैसे कि ये है 13 और ये है 16, बोलो कौन सा नंबर बड़ा है, बिगर वन कौन सा है? तो भाई आप बोलोगे सर 16 इज बिगर, बराबर, 16 बिगर है और ये 13 स्मॉलर है, स्मॉलर लेस नंबर है, ये बड़ा है, तो हमें ये सिंबल रखना पड़ेगा लेफ्ट साइड एरो, 13 लेस देन 16, ठीक है। अगर 16 ऐसे लिखा होगा, 16 और 13, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई अब क्या है, तो आप कहोगे सर 16 ही बड़ा है। भाई वो तो सही है, पर यहां पर 16 बड़ा लेफ्ट में है, ये राइट में है छोटा नंबर, तो हमें सिंबल ये नहीं यूज करना है, अब सिंबल ये यूज करेंगे, बराबर। 16 ग्रेटर देन 13, 13 लेस देन 16, ऐसे बोलेंगे, बराबर। ये लेस देन की साइन है, ये ग्रेटर देन की साइन है। आपको मालूम हुआ होगा कि ये दोनों साइड में दोनों सिंबल यूज करते समय एक चीज ध्यान में रखनी है, ये जो पॉइंट है ना एरो की, वो पॉइंट साइड वाला नंबर छोटा होना चाहिए, स्मॉलर वन, देखो, और ये जो ओपन साइड है वहां पर बिगर नंबर आना चाहिए, बराबर। ये सिंबल होगा तो हम बोलेंगे लेस देन, ये होगा तो बोलेंगे ग्रेटर देन। अगर ऐसे देखो 20 ग्रेटर देन 15, बराबर, 20 इज ग्रेटर देन 15, पर 15 पहले लिखा तो हम कहेंगे 15 इज लेस देन 20, बराबर। एक ही बात है दोनों, पर अलग सिंबल से कही गई है, बराबर। चलो अब है 15 और यहां पर मैंने लिखा 10 प्लस 5, भाई 15 कहो या 10 प्लस 5 कहो, आंसर तो सेम ही है, तो हमें यहां पर लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू 15 इज नॉट ग्रेटर देन 10 प्लस 5। भाई 15 10 प्लस 5 से बड़ा नहीं है, 15 10 प्लस 5 से छोटा भी नहीं है, इक्वल है। क्या है? इक्वल। चलिए आगे चलते, 7, ए नंबर जस्ट बिफोर एनी नंबर इज टू द लेफ्ट ऑफ इट। 8 पॉइंट, ए नंबर जस्ट आफ्टर एनी नंबर इज टू द राइट ऑफ इट। भाई ये तो बोल बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो अब देखो ये एक नंबर है, ये है 15, बराबर, 15 से ये क्या क्या का है, नंबर जस्ट बिफोर एनी नंबर। भाई 15 से आगे का नंबर कौन सा होगा? तो आप कहोगे सर 14, तो भाई 14 15 से आगे ही आएगा ना, ये रहा। और 15 से जस्ट आफ्टर का नंबर, 15 से जस्ट बिफोर का नंबर हुआ, 15 से जस्ट आफ्टर का नंबर कौन सा आएगा?
16, देखो ये 15 ये हमारा बीच का नंबर है, ये राइट साइड हुआ और ये लेफ्ट साइड हुआ, बराबर ना। कोई भी नंबर में से 1 माइनस करेंगे तो उसके बिफोर नंबर मिलेगा, 15 में से 1 माइनस किया तो 14 मिला, 14 में से 1 माइनस करेंगे तो उसके आगे का नंबर 13 मिलेगा, ऐसे ही 16, 15 में 1 ऐड किया 16, मीन्स 16 कम्स आफ्टर 15, 16 में 1 ऐड कर लो तो 17 मिलेगा। तो ऐसे आफ्टर और बिफोर आपको आना चाहिए। चलिए नाइन पॉइंट, ए नंबर इन बिटवीन टू नंबर इज इन देयर मिडल। भाई नंबर कोई भी दो नंबर के बीच में होगा ना तो ये बिटवीन मिडल में ही होगा। देखो ये है 14, ये है 16, 14 और 16 के बीच में एग्जैक्ट बिटवीन कौन सा नंबर आया, 15, ठीक है। ऐसे अगर 15 और 17 के बीच में तो आप बोलोगे 16, 16 इज बिटवीन 15 एंड 17। चलिए 10 नंबर का पॉइंट, नंबर 1 FIRST फर्स्ट, 2 सेकंड, SECUND सेकंड, 3 थर्ड, दे आर कॉल्ड ऑर्डिनल नंबर। भाई 1, 2, 3, 4, 5 ये तो काउंटिंग के लिए हम बोल सकते हैं। अगर हमें किसी की प्लेसेस बतानी है तो हम बोलेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे, बराबर। तो जब हम ऑर्डर दिखाएंगे, ऑर्डर यानी अरेंजमेंट, तो वन नहीं कहना है, फर्स्ट कहना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे। दे आर कॉल्ड ऑर्डिनल, ORDINAL, ऑर्डिनल नंबर्स यानी दैट शोज ऑर्डर पोजीशन। दे टेल अस द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वो हमें क्या बताते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके चलिए, तो हमने रिवीजन बहुत सारा कर लिया, अब करते हैं रिवीजन कैप्सूल की एक्सरसाइज। क्वेश्चन 1, TICK, टिक द करेक्ट CORRECT करेक्ट ऑप्शन। भाई आपको रीडिंग करना तो आना ही चाहिए, तभी तो आप समझ पाओगे। चलो फर्स्ट ए, 49 इज जस्ट BEFORE बिफोर। भाई 49 जस्ट किसके आगे है, तो भाई 49 किसके आगे हो सकता है, तो यहां पर हमें 49 के आफ्टर कौन सा नंबर आएगा, इमीडिएट आफ्टर, वो फाइंड करना है। देखो 49 इज जस्ट बिफोर 50, 47, 48, 51 क्या आएगा। भाई 49 अगर हम बोलते हैं तो 49 के बाद हम क्या बोलेंगे, 5050, बराबर। 49 फिर बोलेंगे 50, तो देखो अब क्लियर हो चुका है कि 49 इज जस्ट बिफोर 50, 50 के बिल्कुल जरा सा ही आगे है। आंसर हमारा आएगा ये 1, टिक करो यहां पर। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डज नॉट लाई इन बिटवीन 70 एंड 74। भाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, फॉलोइंग नीचे दिए गए नंबर, लाई, लाई मीन्स बीच में होना, लाई मीन्स होना, कहाँ होना, तो कि बिटवीन, बिटवीन मीन्स बीच में, 70 एंड 74। भाई 70 और 74 के बीच में कौन सा नंबर नहीं है, डज नॉट लाई, यानी कि 70 से कम और 70 से ज्यादा जो भी नंबर होगा वो बीच में नहीं होगा। तो देखो 71 ये तो होगा, 73 ये भी 70 और 74 के बीच में होगा, 72 भी होगा, ये 76 ही नहीं होगा क्योंकि वो 74 से भी बड़ा है, ये रहा। नाउ सी क्वेश्चन सी, द लास्ट पर्सन इन द रो इज एट 9th पोजिशन, हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो। भाई एक रो है, लंबी लाइन है, बराबर। किस चीज की लाइन, भाई कोई भी चीज की लाइन होगी, पर लास्ट पर्सन 9th नंबर पर है भाई, तो हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो, कितने लोग लाइन में होंगे। बिल्कुल क्लियर बात है भाई, लाइन में ऐसे खड़े होंगे सब। ये देखो एक ये विंडो है, यहां पर टिकट लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। देखो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, भाई ये रहा 9th नंबर वाला,
NINETH नाइन्थ, तो कितने लोग लाइन में होंगे? जितना उसका नंबर, जिसका जितना उसका ऑर्डर वही उसका नंबर, तो बराबर नाइन लोग होंगे। चलो तो ये रहा हमारा आंसर। नाउ क्वेश्चन डी, लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर इज 10, 20, 50, 99 दिया है। भाई देखो, वन डिजिट का लार्जेस्ट नंबर तो नाइन है, क्योंकि नाइन के बाद सीधा 1010 आ जाएगा। नाइन में वन डिजिट है, देखो ये ऊपर नंबर दिख रहा है, बराबर। तो टेन से आगे बढ़ेंगे तो 20, 50 ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो 9999 ये टू डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होगा, क्योंकि 99 के बाद तो 100 आएगा, 100 में तो 3 डिजिट हो गई, तो लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर कौन सा होगा? 99। चलिए पी, नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 29, 27, 25 ……r। देखो यहां पर ऐसी एक सीरीज दी हुई है 29, 27, 25, तो बाकी के दो नंबर कौन से होने चाहिए? तो यहां पर आपको स्टडी करना है। देखो क्या स्टडी करना है, 29 फिर 27, तो 29 से 27 में 2 लेस हो गया, फिर 27 से 25 और 2 लेस हो गया, तो वही सीरीज में आगे बढ़ेंगे, बराबर। तो 2 लेस करो, देखो 27, 26, 25, 24 से 24, 25 से 24, 23, 23 से 2 लेस करो, 23 से 22, 21, तो 23, 21 आना चाहिए, और ये रहा ऑप्शन थर्ड। चलिए ये तो हमने कर लिया, पेज को टर्न करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, गेस GUESS गेस एंड राइट द नंबर। भाई यहां पर कुछ ड्राइंग्स दिए हैं, गेस करने के लिए कहा है और जो नंबर है वो लिखने हैं। यहां पर एप्पल्स का पिक्चर है, यहां पर सीजर्स दी हुई है, तो कितने एप्पल्स और कितने सीजर्स है, बराबर। तो काउंट कर लो, गेजिंग क्या करना है अभी, हम तो काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो हम लिख देते हैं यहां पर 1, 0, 10 एप्पल्स। भाई 10 एप्पल्स मैंने लिखा, सीजर्स ऐसे ही काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नाइन पेयर्स ऑफ सीजर, भाई सीजर्स को नाइन पेयर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके दो ब्लेड्स होते हैं ना। चलिए ये तो बिल्कुल इजी था, हो गया फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, राइट ऑल द नंबर्स बिटवीन। भाई सारे नंबर्स जो भी बीच में आते हैं ना वो यहाँ लिखना है। देखो 11 एंड 15, 11 और 15 के बीच में जितने भी नंबर आते हो वो हमें लिखने हैं। 11, फिर 12, 13, 14, फिर 15 आएगा। देखो ये इसके आगे 11, लास्ट में 15। ऐसे ये 26 एंड 30 है, तो यहाँ पर 26, 30, इसके बीच में जो भी नंबर आते हैं वो लिखना है 26, तो फिर 27, 28, 29 हुआ ना। चलो 95 से 99, तो ये रहा 95 यहाँ सबसे बिगिनिंग में, 99 बिल्कुल लास्ट में, बीच में जो भी नंबर आते हैं वो लिखो 95, तो 96, 97, 98, बराबर। चलिए ये 59 तो 63 के बीच में जो भी आता है वो आपको लिखना है, 78 से 82 के बीच में जो भी आएगा वो भी आपको लिखना है, ये दोनों आपको अपने आप करना है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 4, फिल इन द बॉक्सेस। भाई बॉक्सेस में कुछ लिखना है, 1 more than 37, भाई 37 से एक ज्यादा, 37 से एक ज्यादा मीन्स क्या आएगा, 37 के बाद जो भी नंबर आएगा उसके बाद में, मीन्स आफ्टर नंबर, 37 के आफ्टर कौन सा आएगा, 38। चलो फिर ये बी नंबर, 1 less than 5, भाई 1 less than 15 है, सॉरी बी में क्या कहा है, 1 less than 15, भाई 15 से 1 लेस करेंगे तो 15 से बिफोर का नंबर, 15 से बिफोर का नंबर कौन सा होगा,
आपको मालूम ही है 14। वन मोर देन 75, 75 से वन मोर 76, और वन लेस देन 69, 69 से बिफोर तो वो होगा 68। हो गया ये तो हमारा नंबर। चलो नाउ क्वेश्चन 5, काउंट बैकवर्ड BACKWARDS बैकवर्ड्स एंड फिल इन द बॉक्सेस। भाई हमें बैकवर्ड काउंट यानी रिवर्स काउंट करना है, 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं, 5 4 3 2 1 ऐसे। चलो फर्स्ट में है 99 98, चलो आगे क्या आएगा, 98 99 100 ऐसे नहीं, रिवर्स जाना है, 9 9 99 98 98 9 7 97 9 6 96 9 4 94, अरे यहां तो आएगा 9 5 95 9 5 95 9 4 94। चलो ऐसे 97 96 95 94 ऐसे रिवर्स काउंट करना है। फिर बी में क्या है, देखो 8 0 80 80 के आगे कौन सा नंबर आएगा, 79 बराबर, बैकवर्ड यानी बिफोर नंबर, प्रीसीडिंग नंबर लिखना है बराबर। 79 79 से आगे 78 78, फिर 77 77, फिर 76 76, फिर 75 75। चलिए सी में है 69 69, फिर 68 68, फिर 67 67 होगा, 66 66 होगा, 65 65, 64 64 ऐसे करना है। ये आपको खुद लिखना है, ये सी और डी ये दोनों आपको खुद कंप्लीट करना है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में क्या कहा है, देखो कलर द थर्ड एंड फिफ्थ लीफ ग्रीन। मेक कलर थर्ड एंड फिफ्थ लीफ ग्रीन, हमें थर्ड नंबर और फिफ्थ नंबर का लीफ ग्रीन करना है। देखो ये ऑर्डर दिखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट बराबर। तो अगर लिखना है तो थर्ड कैसे लिखेंगे, देखो पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा हो गया ना। अब थर्ड, ये थ्री नंबर का थर्ड कहेंगे, THIRD थर्ड, एंड फाइव नंबर को का क्या कहेंगे, FIFTH फिफ्थ। भाई थर्ड और फिफ्थ नंबर को ग्रीन करना है, ये रहा मेरे पास ग्रीन कलर, आपको अच्छे तरह से ग्रीन कलर कर देना है थ्री को और ये फाइव को। चलो बी, कलर द फर्स्ट बलून रेड एंड सिक्स्थ बलून ब्लू। भाई ऐसे ही हमें यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बलून दिए हैं, फर्स्ट और सिक्स को कलर करना है। देखो ये नंबर वन, इसको हम कहेंगे फर्स्ट, FIRST फर्स्ट ऑर्डर, और ये सिक्स नंबर SIXTH सिक्स बराबर। फर्स्ट और सिक्स को कलर करना है, फर्स्ट को करना है रेड, तो ये रहा रेड, आपको ऐसे पूरे में रेड कर देना है, और सिक्स नंबर को ब्लू करना है, देखो ऐसे। चलो तो ये दोनों कलर भी आपको खुद करने हैं। ये एक्सरसाइज में हमें ऑर्डर दिखाना है, ऑर्डर यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे। चलो तो यहाँ पर हमने रिवीजन कैप्सूल की एक्सरसाइज कर ली, आपको भी अच्छी तरह से समझ के अपनी वर्कबुक में ये एक्सरसाइज कर लेनी है। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम प्रैक्टिस टाइम की एक्सरसाइज करेंगे, तब तक गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।